चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम टू लर्न द हेल्दी हैबिट्स दैट कैन लास्ट अ लाइफटाइम। जी हाँ, बचपन में जो आदतें डल जाएं वो लंबे टाइम तक आपके साथ ही रहती हैं, और वहीं अगर वो आदतें आपके बच्चे को हेल्दी एंड फिट रख सकती हैं तो क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड कट। हेल्दी ईटिंग कैन हेल्प योर चाइल्ड फील गुड, रीच अ हेल्दी वेट एंड हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी फॉर स्कूल एंड प्ले। हेल्दी खाना न सिर्फ आपके बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छा करता है, बल्कि अच्छे और पौष्टिक खाने से बच्चे के दिमाग का भी विकास होता है। तो वो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये हमें बताएंगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। प्रोटीन बच्चों की हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, बच्चों की डाइट में बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को हम ज़रूर इंक्लूड करें, और इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों की जो प्लेट हो वो रंग बिरंगी हो, यानी कि उसमें तरह तरह के कलर्स हों। और वो कलर्स कहाँ से आएंगे? वो कलर्स आते हैं हमारी फ्रूट्स से, हमारे वेजिटेबल्स से। तो जितना हम इन चीज़ों को बच्चों की डाइट में लेकर के आएंगे, उतना बच्चों को जो ज़रूरी तत्व हैं ग्रो करने के लिए, अपने माइंड को शार्प करने के लिए, अपनी बॉडी को शार्प करने के लिए, वो सब चीज़ें उन्हें मिलेंगी। तो हमें एक तो कोशिश करनी है कि हम अच्छी मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डाइट में बच्चों के इंक्लूड करें। हम क्रिएटिव होकर के इन सब चीज़ों को उनकी डाइट में कुछ कुछ चीज़ों में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा उनके टेस्ट के अनुसार उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों के लिए और उनको खिला सकते हैं। बच्चों में हेल्दी ईटिंग की आदत कैसे डालें? अक्सर हम क्या करते हैं कि 6-6, 7-7 घंटे का गैप हो जाता है। सुबह एक बार खाया, फिर शाम को खा रहे हैं, या सुबह ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, स्किप हो गया, सीधे लंच कर रहे हैं 3-4 बजे। तो इन सब चीज़ों से भी हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो अच्छी डेवलप नहीं होती है। तो इसलिए अच्छी मात्रा में सही टाइम से खाना, उससे हमारी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सही मात्रा में संतुलित आहार, जिसे हम बोलते हैं एक बैलेंस डाइट या एक हेल्दी डाइट लेना, बच्चों के बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो होते हैं उनकी बढ़ती उम्र है, उनके अंदर ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, मसल्स बन रहे होते हैं, ब्लड के सेल्स बन रहे होते हैं, और ये सब चीज़ें ज़िंदगी भर के लिए उनके जो आगे का जीवन होगा उस पर जो है असर डालता है। और साथ ही बच्चों का जो ब्रेन का फंक्शन होता है, यानी कि जो ब्रेन के सिनैप्सिस होते हैं तमाम, वो उस वक्त जो है बच्चों के बन रहे होते हैं। इसलिए बच्चों को एक बहुत अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। और अब बहुत सारी स्टडीज़ इस बात को साफ तौर से बताती हैं कि जिन बच्चों को अच्छी हेल्दी डाइट शुरू के सालों में नहीं मिलती है, आगे चल के उनकी जो पढ़ाई है उसके ऊपर असर पड़ता है, उनके आगे चल के जो कैरियर है उसके ऊपर भी इसका साफ तौर से असर पड़ता है, यानी कि बच्चे के IQ तक पे अच्छी डाइट का बहुत असर पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो सही मात्रा में सही चीज़ें जो हैं वो ज़रूर लें, यानी कि जो ज़रूरी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो बच्चों को अच्छी मात्रा में मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चल के वो तंदुरुस्त रहें और एनर्जेटिक रहें, उनका जो आगे चल के पढ़ाई में फोकस है, अटेंशन है, या किसी भी काम में फोकस अटेंशन है, वो उनका अच्छा डेवलप होगा, शार्प डेवलप होगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अगर आप बच्चों को शुरू से अच्छा खाना खाने की आदत डालते हैं, तो आगे चल के बच्चे बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जैसे ओबेसिटी है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इन सब चीज़ों से भी बच्चे जो हैं बचे रहते हैं, और वो एक उनके अंदर हैबिट रहती है, जिससे कि बच्चों में फिर क्रॉनिक डिजीज़ ज़्यादा नहीं होती। तो इसकी शुरुआत हमें बचपन से ही करनी ज़रूरी है। साथ ही प्रोटीन अच्छी मात्रा में देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त उनकी बॉडी के सब मसल्स, बोन्स और उनके जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, और उन्हें प्रोटीन अच्छी मात्रा में चाहिए होता है। और ख़ास तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेकफास्ट में हम बच्चों को अच्छी मात्रा में प्रोटीन दें, जैसे कि एग है, वेजिटेबल्स हैं, उसके अलावा चीज़ है। तो इन चीज़ों को अगर हम इंक्लूड करें, और जो लोग मीट खाते हैं वो मीट प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को अगर हम बच्चों की डाइट में लेकर के आएँ तो बच्चों के लिए अच्छी होती हैं, और बच्चे जो हैं ज़्यादा बेहतर ग्रो करते हैं। जंक फूड ज़्यादा खाने से बच्चों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, उन्हें वो ज़रूरी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करते हैं। आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट से बच्चे को हेल्दी फूड्स खिला सकती हैं। बच्चे को कलर्स काफ़ी पसंद होते हैं, तो आप उनके खाने की प्लेट को थोड़ा सा कलरफुल ज़रूर बना दीजिए। थोड़े फ्रूट्स जैसे कि बनाना, ऑरेंज, एप्पल, पपाया उन्हें दें, वहीं थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल खाने की आदत भी उन्हें डालें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए अनकट को।
YouTube, Facebook और Instagram पर ABP Uncut हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। थैंक यू, आई एम साक्षी चौहान एंड यू आर वॉचिंग अनकट।